आज खुश तो बहुत होंगे तुम, क्योंकि आज तुम्हें जो एग्जाम के लिए कुछ भी न्यूज़पेपर में से पढ़ने की जरूरत नहीं है। खैर, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और यहां पर हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज 11 मार्च है और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स आए और उसी वजह से हमें एग्जाम के लिए कुछ भी काम का देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें निकाल कर जो एग्ज़ाम के लिए काम आ सकती है, जैसे वो गन्ना होता है ना, गन्ने का जो वो बचा हुआ जूस निकालता है उसी तरीके से जूस निकालते निकालते जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बचा हुआ है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम वाटर मैनेजमेंट नीड्स हाइड्रो सोशल अप्रोच, ये हमारे मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेशनल पार्टी वर्सेस स्टेट पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है पंजाब में। तो क्या अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा? क्या क्राइटेरिया होता है? ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से बीजेपी जो है वो इलेक्शन जीती है उत्तर प्रदेश में, तो ये हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपके सामने हाजिर है। तो यहाँ पर ये जो रेड इसमें मार्क की गई कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। अब देखिए, जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि कम्प्लीटली पूरा न्यूज़पेपर जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट से भरा हुआ है। कहीं बीजेपी की वाहवाही हो रही है, कहीं कांग्रेस की हवा हवाई हो रही है, कहीं आम आदमी पार्टी की खिंचाई हो रही है, मतलब जीतने की खिंचाई हो रही है, कहीं जो बाकी की पार्टीज है वो तो मतलब हो ही नहीं रहा है कुछ उनके बारे में। खैर, तो यहाँ पर जो एक्सप्लेन सेक्शन बोलिए उसी के साथ साथ अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं या आइडियाज पेज देखते हैं तो जितने भी एडिटोरियल्स है वो सब यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट्स पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली हम रिजल्ट जो है उस पर भी नज़र डालते हैं कि क्या भाई रिजल्ट जो है वो किस तरीके का रहा है, किसको कितने मतलब वोट्स मिले हैं, किस तरीके से कौन चुनकर आया है, उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। यहाँ पर आपको एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, एथिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, GS 1, 2, 3, 4 सभी देखने को मिलते हैं। हाइएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस में, मज़ा आ जाएगा आप सभी को। डाउनलोड करके देखिए और जो डेमो लेक्चर है वो एक बार देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप रोक नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिजल्ट जो है उस पर नजर डाल लेते हैं कि किसको कितने यहाँ पर MLA जो है वो चुनकर आए हैं और किस राज्य में जो राज्य थे उसमें जो इलेक्शंस हो रहे थे तो वहां पर किसकी सरकार यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर आपके सामने जो गोवा रिजल्ट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं और गोवा रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर जीती है। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 40 सीट्स, 21 फॉर मेजॉरिटी, 21 सीट जो है वो मेजॉरिटी के लिए चाहिए थे, क्योंकि जब भी किसी पार्टी को सरकार बनानी होती है तो उसके लिए कौन सी मेजॉरिटी लगती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगती है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की उसका 50% + 1, तो यहाँ पर 40 टोटल सीट्स है तो मतलब 20 + 1 मतलब 21 सीट्स। तो यहाँ पर 21 सीट्स किसके पास है, तो बीजेपी को यहाँ पर टोटल सीट्स मिली है 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11, आम आदमी पार्टी के 2 सीट्स यहाँ पर आए हैं, MAG के 2 आए हैं, बाकी पार्टीज जो उनकी ऐसी एक एक दो दो इस तरीके से आई है। अब यहाँ पर सबसे मेजर पार्टी जो है बनकर उभरी है बीजेपी, है ना, लेकिन स्टिल इन्होंने मार्क जो है वो तो क्रॉस नहीं किया है, 21 यहाँ पर सीट्स ही है। लेकिन यहाँ पर एक जो है एक MLA अपने तरफ लेना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो यहाँ पर 2-3 हैं, तो उनमें से ये लोग जो है अपनी पार्टी में ले लेंगे, अपने को मतलब समर्थन जो है वो दे रहे हैं ऐसा कर लेंगे एंड देन इस तरीके से अपनी सरकार जो है बना लेंगे। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो गोवा जो है वहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। इवन अगर आप मणिपुर देखते हैं तो मणिपुर में भी यहाँ पर जो बीजेपी है उसको क्लियर कट मेजोरिटी मिली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल 60 सीट्स है एंड नॉर्मली कितनी चाहिए रहेगी, 31 सीट्स है ना सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के यहाँ पर 32 आ गए हैं, अगर हम बाकी पार्टीज देखते हैं 7, 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो क्लियर कट मेजोरिटी है बीजेपी की वो देखने को मिल रही है। अभी देखिए पूरे इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो तो मतलब ऐसा हो गया है कि भाई एकदम नई नई पार्टी है क्या, क्योंकि इससे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, जहाँ जहाँ पर खड़ी हो रही है एटलीस्ट अब यहाँ पर उनके जो चुनकर है वो तो भी आ रहे हैं, जैसे गोवा जो है वहाँ पर भी उन्होंने खाता खोल लिया है, 2 लोग जो है उनको चुनकर आ गए हैं।
पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पूरा आम आदमी पार्टी जो उसका वर्चस्व यहाँ पर रहा है, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो 117 सीट्स यहाँ पर रहती है और 59 यहाँ पर मेजोरिटी के लिए चाहिए होते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 92 सीट्स आए हैं। तो ये मतलब एक अद्भुत सिनारियो रहा है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके 18 रहे हैं। बीजेपी के अगर आप देखोगे तो 2 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। एसएडी के अगर आप देखोगे तो 3 देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार यहाँ पर बना रही है ना। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो कॉमेडियन थे पहले, वो अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है वो बनने जा रहे हैं, और यही उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से यहाँ पर पंजाब जो है जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका निवारण करेंगे और यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सभी जितने भी पार्टीज होती है उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और इसी वजह से काफ़ी पावरफुल सोर्स है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितना मतलब एक जो हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उसके लिए भी अपनी सीट पक्की करने जैसा होता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 403 सीट्स हैं यहाँ पर, और 202 जो है वो मेजोरिटी के लिए यहाँ पर चाहिए होते हैं। 202 इसमें अगर आप देखोगे तो क्लियर कट मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर बीजेपी की आ रही है। 255 सीट्स उनको यहाँ पर मिले हैं। हालांकि यहाँ पर लॉस उनको हुआ है 57 सीट्स का, लेकिन स्टिल मेजोरिटी मेजोरिटी होती है। मतलब यहाँ पर जो होता है ना हमारा प्रीलिम्स जो है, समझ लीजिए अगर 96 यहाँ पर कट ऑफ है और अगर आपको 97 मिले हैं, स्टिल आपने प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर लिया है, मैटर नहीं करता है। अगर आपको 95 मिले हैं तो आपने यहाँ पर प्रीलिम्स जो है वो क्लियर नहीं किया, आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि बीजेपी जो है उसने यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन से जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लिया है। बाकी अगर हम देखते हैं तो एसपी 111 इनका यहाँ पर गेन हुआ है, पिछले बार अगर आप देखोगे तो इनका काफ़ी घाटा हुआ था। एंड बाकी अगर आप देखो तो इसी तरीके से हैं, मतलब 12, 8, 10 इसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो बीजेपी है वो अपनी सरकार दोबारा बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो फिर से अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है वो बनेंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स है वो 70 सीट्स, 36 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। अगेन यहाँ पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर क्लियर कट मेजोरिटी इसने पार कर ली है 47। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर टोटल 5 जो राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं उसमें से 4 राज्य जो है वहाँ पर बीजेपी ने बाजी मारी है, और बाकी अगर आप देखोगे 1 वहाँ पर मतलब पंजाब, वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो उसने यहाँ पर बाजी मारी है। मतलब समझ लीजिए कि अब यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है बीजेपी के बाद, जो इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, एटलीस्ट जो राज्यों में अभी इलेक्शन हुए हैं उसकी तुलना में अगर हम यहाँ पर देखते हैं। बाकी जो रीजनल पार्टी है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है एज अ रीजनल पार्टी, उसके मुकाबले काफ़ी कम यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है बाकी स्टेट्स की रीजनल पार्टीज का देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बिल्कुल सुधरा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या होता है कि यहाँ पर अब इतना टाइम बीत चुका है ना, 2014 से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 साल होने को आ गए हैं, है ना, 8 साल हो गए हैं। अब 8 साल में आपकी जो सीट्स है, समझ लीजिए आप अगर आपके अटेम्प्ट जो है वो अटेम्प्ट आपने पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें आपको प्रीलिम्स जो है उसमें समझ लीजिए 52 मार्क्स मिले, सेकेंड अटेम्प्ट आपने दिया उसमें 58 मार्क्स मिले, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट दिया उसमें आपको 80 मार्क्स मिले, फोर्थ अटेम्प्ट दिया उसमें आप सिलेक्ट हो गए, तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई इंप्रूवमेंट अच्छा खासा है। लेकिन समझ लीजिए कि आप 52 से आपने शुरुआत की थी और 60 तक ही आप नहीं पहुंच रहे हो सारे अटेम्प्ट्स में, तो मतलब वो आपका परफॉर्मेंस जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनका भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है कि परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल भी यहाँ पर इनका अच्छा देखने को नहीं मिला है। अब देखिए जो 5 कारण है कि बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जीती है, उसमें से पहला है लॉ एंड ऑर्डर। क्या है कि काफ़ी जो अधिकार है उसका वॉयलेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है ऐसा कहा जा रहा था। कई बार ये बोला जा रहा था कि भाई जो लाशें हैं वो यहाँ पर नदी में बहती हुई आ रही है, उसी के साथ लोगों से जो अधिकार है उनके छीने जा रहे हैं। ये सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो माफिया है, जो मर्डर्स है, जो क्राइम है, उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया। लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहा। मतलब पोल रैलीज में अगर आप देखोगे तो आदित्यनाथ और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो उन्होंने क्लेम किया है कि जो क्राइम है जैसे मर्डर्स, किडनैपिंग, रेप्स ओवर दी पास्ट 5 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। तो ये भी एक कारण रहा है कि लोगों को शांति चाहिए, लोगों को पीस चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, वो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है जब हम क्राइम को ख़त्म कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर है वेलफेयर स्कीम्स। यहाँ पर फ्री राशन स्कीम जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
वो यहाँ पर काफी गेम चेंजर रही है बीजेपी के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं काफी स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी जिंदगी गंवा रहे थे, अपनी जॉब जिन्होंने गंवा दी थी, अब उनको यहाँ पर फ्री राशन दिया जा रहा था। राशन के अलावा यहाँ पर अलग अलग जो सर्विसेस है, सीधा मतलब समझ लीजिए मनी ट्रांसफर जो है वो बैंक अकाउंट में किया जा रहा था, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जो अगेंस्ट में जा रही है चीज़ें उसको भी यहाँ पर फेवर में जो है वो लेकर आ गए, तो वेलफेयर स्कीम जो उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो है हिंदुत्व। यहाँ पर बीजेपी जो है यहाँ पर अनअबेस्ड अबाउट द हिंदुत्व कार्ड, है ना, मतलब सीधे तरीके से यहाँ पर मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखते हैं अयोध्या में, है ना, काशी कॉरिडोर जो है वो इनॉग्रेट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है जो मतलब ये मिलाने के लिए, बीजेपी को जीत मिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे जो योगी आदित्यनाथ है वो हमेशा बोलते हैं, जब भी वो क्राइम की बात करते हैं तो उस समय पर वो हिंदू या मुसलमान की बात नहीं करते, वो क्रिमिनल की बात करते हैं। उसी के साथ साथ जब वो किसी की मदद करने की बात करते हैं कि इनका भला किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी बात करते हैं, उसमें भी हिंदू या मुस्लिम जो है बात नहीं किया जाता। तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं जो इनको यहाँ पर हेल्प की है इलेक्शन जीतने में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी जो है लॉकडाउन के दौरान भी डोर टू डोर जो आउटरीच है उनका वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। ऐसा नहीं है कि भाई प्रीलिम्स के फॉर्म निकल गए तब हम जाते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पहले से ही वेल इन एडवांस उन्होंने एग्ज़ाम की जो है वो यहाँ पर तैयारी कर ली थी, जिससे कि जब फॉर्म आते हैं, जब एक दो तीन महीने बाकी होते हैं, तब इतना प्रेशर जो है अपने आप पर ना आए। पास्ट सिक्स मंथ्स बीजेपी के टॉप लीडर जो है वो टूर कर रहे हैं असेंबली सीट्स में, जो प्रोजेक्ट्स है, फाउंडेशन स्टोन्स है, वो यहाँ पर रख रहे हैं, जिससे कि लोग जो है उनकी नज़रों में वहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है श्रिंकिंग अपोजिशन। अपोजिशन जो है वो समझ लीजिए कि मतलब एक स्ट्रांग अपोजिशन रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो इतनी ख़राब हालत चल रही है कि अपोजिशन में कोई प्रोमिनेंट लीडर जो है वो बनकर नहीं उभर रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि इस बार अगर हम देखते हैं दिल्ली में जब इलेक्शंस हो रहे थे उस समय पर जो अरविंद केजरीवाल है उनके अपोज में, भली वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, वो कोई स्ट्रांग जो अपोजिशन है वो वहाँ पर नहीं लग रहा था कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट है ये खड़ा हो सकता है, जीत सकता है, ऐसा वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि पंजाब जो है वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो सिद्धू है उनको खड़ा करके कांग्रेस ने ये कोशिश की कि भाई कुछ ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, कुछ फेरबदल हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। वहाँ पर भी जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली मॉडल है, वहाँ पर चल गया, एंड पंजाब जो है वहाँ पर भी अब पंजाब मॉडल अच्छे तरीके से चले, यही हम उम्मीद करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना डाइवर्स राज्य है, वहाँ पर बीजेपी जो है उनको यहाँ पर जीत मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट नीड हाइड्रो सोशल अप्रोच। क्या है कि यहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट है हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ध्यान में होगा तो मेंस में एक वाटर मैनेजमेंट पर क्वेश्चन भी आया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है वाटर मैनेजमेंट को किस तरीके से हम प्रॉपर हाइड्रो सोशल अप्रोच के द्वारा कर सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसा ही स्टेटमेंट देके फुल स्टॉप लगा के आपको कमेंट ऐसा बोल दिया जाएगा। तो इस पर आप कैसे लिखोगे? सबसे पहली चीज़ तो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये अंडर स्ट्रेस है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है उसकी तादाद कम होती जा रही है, है ना। अब ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं 2003 में लॉन्च किया गया ज्वाइंट प्रोग्राम है अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप एंड ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज प्रोग्राम के द्वारा। इंक्रीज ग्लोबल कंसर्न रिगार्डिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंज हो रहा है, फ्रेश वाटर सोर्सेज जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब सोसाइटी जो है उसमें से फ्रेश वाटर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज मतलब IPCC जो है फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2007 की, उसने बोला है कि भाई सोसाइटल वर्नेबिलिटी एंड चेंजेस इन द वाटर सिस्टम इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, मतलब पानी अगर ख़त्म होगा तो सोसाइटी जो है वो भी यहाँ पर सफ़र बहुत ज़्यादा करेगी। एस्टिमेट किया गया है कि गैप जो है डिमांड और सप्लाई फ्रेश वाटर के बीच में वो यहाँ पर 40% जा सकती है 2030 तक, और ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमारे ज़िंदगी में आगे आ सकती है 2030 तक ही। जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है जो फ्रेश वाटर सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं वो कौन से? इंजीनियरिंग ऑफ रिवर चैनल, कि भाई हम रिवर चैनल जो होते हैं उसमें कुछ इंजीनियरिंग करके पानी इधर भेजो उधर भेजो, ये करो वो करो, ये कर लेते हैं। इरीगेशन, बाकी जो कंजम्पटिव यूज़ होता है पानी का, इरीगेशन फैसिलिटी से हम पानी का बहाव जो है वो दूसरी तरफ लेकर चल जाते हैं, बिजारी जो नदी जिस तरफ बहरी थी वो तो उधर ही स्ट्रेच हो जाती है। जो लैंड यूज़ कवर चेंज होता है, एक्वाटिक हैबिटेट जो है उसमें जो चेंज होता है, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज जो होते हैं पोल्यूशन के,
जो अफेक्ट करते हैं यहाँ पर वाटर क्वालिटी को, वाटर डिग्रेडेशन होता है उसकी वजह से, है ना। ये सारी चीज़ें हम एनवायरमेंट के जो हमारे लेक्चर्स हैं एमएम अकेडमी ऐप पर उसमें कवर किया हुआ है। इंट्रा एंड इंटर बेसिन ट्रांसफर जो है वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखिए यहाँ पर इंट्रा एंड इंटर बेसिन ट्रांसफर अगर हम देखते हैं तो ये जो है वाटर का वन ऑफ द मेन हाइड्रोलॉजिकल इंटरवेंशन है जिससे कि वाटर स्कैरसिटी बैलेंस की जाए ड्यू टू नेचुरली एग्जिस्टिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्या है कि नेचुरली कहीं कहीं पर ऐसा नहीं कि हर जगह पानी दिया हुआ है ना, इसलिए कहीं कहीं पर जो है पानी अच्छा खासा होता है, कहीं कहीं पर पानी जो है नेचुरली वहाँ पर कम होता है। तो ये जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वहाँ पर एक बैलेंस जो है प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। तो रिसेंट रिपोर्ट जो उसने बताया कि 110 वाटर ट्रांसफर मेगा प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे क्या है कि जैसे हमने इंटरलिंकिंग रिवर्स देखने को मिलता है ना कि भाई पानी जो है यहाँ पर इस नदी में कम है तो इसको लिंक कर दो ये वाली नदी के साथ, जिससे कि पानी जो है भरपाई हो जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल वाटर पाथ क्रिएट करने वाले हैं ट्वाइस द लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर। समझ लीजिए कितना बड़ा एक पाथ जो है यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है आर्टिफिशियल तरीके से। हाई चांस ऑफ लॉजिक रीजनल एंड ग्लोबल लेवल इम्प्लीकेशंस, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन जो है वो भी हो सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं क्रिक की कंसर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट से, तो आइडिया जो है आईबीटी का ये है वाटर जो है ट्रांसफ़र किया जाए सरप्लस बेसिन से डिफिसिट बेसिन में। जैसा मैंने आपको कहा कि भाई एक अगर बेसिन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, एक दूसरी नदी है उसमें कम पानी है, तो जो सरप्लस वाला है उसको यहाँ पर भेजो पानी को ये वाले इसमें, है ना। कंसर्न अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्स है किस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जहाँ पर नेचर से छेड़छाड़ होती है वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन इम्प्लीकेशन बहुत भयानक होते हैं। कंजम्पशन ऑफ मोर वाटर, लोगों की जो प्यास है वो बढ़ती जा रही है। ग्रे वाटर जो डोमेस्टिक वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, रेयरली वो हमारे कंट्री में यूज होता है, वो कहीं ना कहीं चल जाता है, वाटर पोल्यूशन करता है। तो जो डोमेस्टिक इसमें वेस्ट वाटर होता है जो हम धोने कपड़े धोने बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं वो वेस्ट चल जाता है, उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, रिफाइन किया जा सकता है अगर हम इस्तेमाल करना चाहें। नेचुरल स्टोरेज कैपेसिटी जो है रिडक्शन उसमें, एंड जो कैचमेंट डिफिशेंसी उसमें डिटोरिएशन, ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भाई यहाँ पर कंसर्न जो है इंडिया में वो हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। अब यहाँ पर रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आइडिया जो है दैट वाटर सिस्टम ये इवॉल्व हो रहा है और इश्यूज जो है मेनली मैनेजमेंट और गवर्नेंस के तहत है, है ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो सॉल्यूशंस है वो हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। वाटर प्रोजेक्ट जो है पोटेंशियली यहाँ पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड मतलब यहाँ पर कई सारी जगहों पर करप्शन होता है, ये होता है वो होता है, चलो भाई ये प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, है ना। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो सोशल पावर है, टेक्नोलॉजी है, इसका इंटरकनेक्टेडनेस भी होता है, तो ये सही तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये काफ़ी क्रूशियल है कि लेस प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स यहाँ पर जो है उसको भी इंक्लूड किया जाए, कि अगर हमें पता है कि भाई ये हो सकता है ये नहीं हो सकता तो उसको भी एक बार देखो, जो नहीं हो सकता है उसके तरफ भी एक बार ध्यान दो, हो सकता है कि वही हो जाए, है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जैसे एनजीओज ये सब है, उनको यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाइब्रिड वाटर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि भाई यहाँ पर पॉलिसी मेकर, इंडिविजुअल कम्युनिटी सभी यहाँ पर मिलकर काम करें और एक प्रॉपर वैल्यू चेन जो है वो हम क्रिएट करें, जिससे कि बेटर तरीके से हम यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट कर सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो नेशनल पार्टी है वो दर्जा मिलने के लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। प्रोमिनेंटली तीन क्राइटेरियाज हमें देखने को मिलते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी तीन क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होती है तो मतलब उसको नेशनल पार्टी जो है उसका दर्जा यहाँ पर दे दिया जाएगा। पहला क्राइटेरिया कौन सा है कि उसे एटलीस्ट यहाँ पर 2% ऑफ टोटल सीट जो है लोकसभा के वो यहाँ पर जीतने होंगे, ठीक है, और तीन अलग अलग राज्यों से। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो समझ लीजिए कि यहाँ पर संस्कारी आदमी पार्टी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, संस्कारी आदमी पार्टी है। अब यहाँ पर तीन राज्यों से वो इलेक्शंस लड़ रही है, महाराष्ट्र बोलिए, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट असेंबली की बातें नहीं हो रही, यहाँ पर लोकसभा की बातें हो रही जिससे हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते हैं लेकिन जहाँ से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो लोकसभा की यहाँ पर बातें हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीन राज्य जो है वहाँ से अगर ये चुनाव उनके लोग जो है वो खड़े हैं, ठीक है, संस्कारी आदमी पार्टी के, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि महाराष्ट्र है वहाँ से 5 सीटें जो है वो जीती, दूसरा राज्य है वहाँ से 4 सीटें जीती, तीसरा राज्य है वहाँ से 2 सीटें जीती, टोटल यहाँ पर सीट्स कितनी हो गई, 11 सीट जो है, मतलब 11 यहाँ पर MPs जो है वो संस्कारी आदमी पार्टी जो है उसके यहाँ पर लोकसभा में चले गए हैं और वो वहाँ पर बैठने वाले हैं,
ठीक है, मतलब तीन राज्यों से, तीन अलग अलग राज्यों से टोटल 11 सीटें जो है, 11 एमपीज जो है वो संस्कारी आदमी पार्टी के आए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई अब ये बड़ी पार्टी है, इसको नेशनल पार्टी जो है उसका दर्जा दिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो वो भी तो तीन राज्यों से यहाँ पर इलेक्शन जो है ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब जहाँ पर वो परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा कर रही है ना। तो अब यहाँ पर उनका हाल क्या है, अगर हम आम आदमी पार्टी का हाल देखते हैं तो एट प्रेजेंट आम आदमी पार्टी जो, उसकी सिर्फ एक सीट हमें देखने को मिल रही है लोकसभा में। अभी यहाँ पर कितनी सीट चाहिए होती है, टोटल सीट 2% टोटल सीट 2% समझ लीजिए, यहाँ पर टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 2% मतलब 11 सीट चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की देखते हैं तो एक ही सीट जो भगवत मान है, मतलब अब वो भी नहीं रहेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं पंजाब के। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सीट जो है सिर्फ वही देखने को मिल रही है। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि जो पार्टी है उसको एटलीस्ट 6% वोट्स मिलने चाहिए चार राज्यों में, इन एडिशन टू 4 लोकसभा सीट्स। मतलब यहाँ पर चार लोकसभा की सीट्स रहनी चाहिए पहली तो, है ना। 11 है, अगर 11 सीट्स मिल रही है चार अलग अलग राज्यों से तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर क्या बोला गया है, चार लोकसभा सीट जो है वो यहाँ पर चाहिए रहेगी, और उसके साथ साथ अगर चार लोकसभा सीट से चार उसके एमपी अगर गए हुए हैं, उसके साथ साथ 6% वोट भी चाहिए रहेंगे इन 4 स्टेट, चार राज्यों में। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो महाराष्ट्र है और दूसरा राजस्थान है, वहां से संस्कारी आदमी पार्टी के 2 सीट्स और 2 एमपीज जो है वो चले गए हैं लोकसभा में। मतलब एक पहला क्राइटेरिया उनका एक कंप्लीट हो गया है कि हाँ भाई चार लोकसभा चले गए। लेकिन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ टोटल कितने, तो 600 वोट्स अगर महाराष्ट्र में पड़े हैं तो भाई 36 वोट जो है वो यहाँ पर संस्कारी आदमी पार्टी को मिलने चाहिए। 200 वोट्स मिले हैं 12, ये नॉन टेक्निकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। 400 वोट्स मिले तो 24 वोट्स मिलने चाहिए, 100 वोट्स मिले तो 6 वोट्स। क्यों ऐसा, क्योंकि 6% वोट जो है 4 स्टेट्स में उनको मिलना चाहिए, इस पार्टी को मिलना चाहिए, इन पार्टी के जो एमपीस खड़े हैं उनको मिलना चाहिए, तब जाकर नक्सल पार्टी जो उसका दर्जा यहाँ पर दिया जा सकता है। तीसरा यहाँ पर आता है, यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो करंटली उसके सिर्फ 6.7% वोट शेयर है गोवा में, और 3.3% है उत्तराखंड में, एंड दिल्ली असेंबली इलेक्शन में 53% वोट शेयर जो है वो हमें आम आदमी पार्टी का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर तीसरा क्राइटेरिया यह है कि अगर वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की गई है 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में, 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में, अगर वो स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिला हुआ है तो अपने आप उसको नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। अभी अगर हम देखते हैं तो क्या इतनी पार्टी, बड़ी पार्टी वो आम आदमी पार्टी बनेगी, 4 राज्यों में उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर पार्टी जो अगर आप देखोगे तो ओनली एज रिकॉग्निशन इन गोवा, दिल्ली एंड पंजाब। मतलब समझ लीजिए एक और अगर राज्य में उसको रिकॉग्निशन मिल जाता है तो हाँ वो नेशनल पार्टी जो है वो बन सकती है। अब यहाँ पर स्टेट पार्टी का दर्जा कैसा मिलता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टेट पार्टी कैसा मिलता है, पहला क्राइटेरिया है कि अगर उसको 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिल रहे हैं जो स्टेट में पोल किए गए हैं जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट कंसर्न, जो एक लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं दूसरे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके इलेक्शंस की बात की जा रही है, उसमें अगर उसको 6% वैलिड वोट्स मिलते हैं एंड इन एडिशन 2 सीटें अगर उसको असेंबली में मिल जाती है उस राज्य के, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, उसमें 1200 वोट्स टोटल पड़े हैं, तो उसका 6% वोट जो है वो अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि संस्कारी आदमी पार्टी जो उसको मिल जाते हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ 2 सीट जो है वो भी यहाँ पर असेंबली में जीत जाते हैं, 2 लोग इनके MLA बन के वहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर इसको स्टेट पार्टी का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया आता है कि अगर उसको 6% वैलिड वोट्स मिल रहे हैं स्टेट इलेक्शन में टू द लोकसभा, जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, एंड इन एडिशन 1 सीट जो है अगर वो लोकसभा में जीत रहे हैं स्टेट कंसर्न। मतलब क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए कि अब यहाँ पर लोकसभा के कैंडिडेट के लिए खड़े हैं, अब यहाँ पर स्टेट असेंबली के नहीं, लोकसभा के, इलेक्शन टू लोकसभा, उसमें अगर समझ लीजिए 2000 वोट जो है महाराष्ट्र राज्य में कैंडिडेट्स को, टोटल कैंडिडेट्स को मिले हैं, उसमें से 6% 120 वोट जो है वो अगर यहाँ पर संस्कारी आदमी पार्टी को मिल गए हैं, उसी के साथ साथ उनकी 1 सीट जो है अगर लोकसभा में चली गई है, तो फिर भी इनको यहाँ पर स्टेट पार्टी का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा इन महाराष्ट्र। तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर वो 3% सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतते हैं, जनरल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये असेंबली की अब बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली में के जनरल इलेक्शंस में अगर 3% ऑफ सीट उनको मिलते हैं, है ना, स्टेट कंसर्न, 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर, कोई भी अगर ज़्यादा है, समझ लीजिए यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में टोटल 300 सीट्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए 300 सीट्स है,
तो वहां पर 3% सीट अगर यहाँ पर उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाती है, मतलब एमएलएस जो है वो उनके अगर 9 से ज्यादा आ जाते हैं तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा उसमें दे दिया जाएगा। अब देखिए कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 3% जो है वो काफी कम हो जाते हैं, मतलब 3 सीट से भी कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या किया जाता है, 3 सीट्स मिनिमम जो है वो दिए गए हैं, 3 सीट्स मिनिमम दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे एक कोई राज्य है 40 सीट्स उसमें अगर है, 3 सीट्स है ना मिल जाएगा। गोवा में अगर आप देखोगे तो 1 सीट जो है वो अगर मिल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, कहीं कहीं पर क्या है कि कुछ सीटें जो है 3% काफी कम हो जाता है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेसिकली कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है स्टेट पार्टी के लिए कि अगर उसे 1 सीट लोकसभा में मिलती है फॉर एवरी 25 सीट्स और फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट एंड जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न। यहाँ पर टोटल 50 सीट्स है, 2 सीट जो है वो यहाँ पर लोकसभा में उसको मिली हुई है ना, तो वो यहाँ पर स्टेट पार्टी का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। मतलब बेसिकली क्या बोला गया है कि 1 सीट फॉर एवरी 25 सीट्स, हर 25 सीट के पीछे 1 सीट उसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 50 सीट्स है तो 25 25 2, मतलब 2 सीट जो है वो उसको लोकसभा में मिलनी चाहिए। अगर वही 75 यहाँ पर हो जाती 3 सीट्स उसको मिलनी चाहिए थी। अगर 100 सीट थी तो यहाँ पर 4 सीट जो है वो उसको मिल जानी चाहिए थी। तो बेसिकली फंडा वही निकल रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज यहाँ पर निकल कर आती है, तब जाकर उसको स्टेट पार्टी जो उसका दर्जा दे दिया जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपका पूरी कंडीशन यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसमें हमें इतनी सारी देखने को मिलती है। अभी अभी हाल ही में जो तृणमूल है उसको मिला है, बहुजन समाज बोली, भारतीय जनता पार्टी बोली, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोली। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको यहाँ पर पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, क्या फायदे होते हैं, तो अगर रिकॉग्निशन मिलता है नेशनल या स्टेट पार्टी का तो वहाँ पर इलेक्शन सिंबल जो है वो उनको अश्योर्ड हो जाता है। मतलब बार बार उनको सिंबल चेंज नहीं करना पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है, वो एक उनका पक्का हो गया। जैसे बीजेपी का कमल है तो पक्का हो गया है ना, कांग्रेस का वो हाथ है तो पक्का हो गया है, अब वो कोई नहीं ले सकता है। बाकी रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको चूज करना पड़ता है फ्री सिंबल्स में से कि भाई हमको ये सिंबल चाहिए, हमको वो सिंबल चाहिए, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए उनको 40-स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं इलेक्शन के दौरान, और बाकियों को 20-स्टार कैंपेनर जो उतने ही मिलते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज को लैंड या बिल्डिंग भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि अपना पार्टी ऑफिस जो है वो स्थापित कर सके। तो इतने सारे पर्क्स जो है यहाँ पर मिल जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर जो क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, डाउनलोड कीजिए एकेडमी ऐप, और वीडियोज जो है उनको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। विजिट कीजिए dmmacademy.in, यहाँ पर आपको वेरियस फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे, काफ़ी मजा आएगा आपको। तो विजिट कीजिए dmmacademy.in या डाउनलोड कीजिए mmacademy, आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोज जो है वो देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, जय हिंद।